अमित सिंह आवा करे तो सब अधिकारी खड़े हो जाया करे। पहले 100 बार कह चुके तुम लोगों ने, अब की तुम्हारे खिलाफ लिखा पड़ी कर दिया। जी हाँ, ये तेवर और ये नजारा यूपी के उन्नाव जिले का है, जहां पर शुक्रवार को जिला पंचायत की बैठक चल रही थी। बैठक में जिले के सभी विधायक मौजूद थे और अधिकारी भी। मीटिंग में पुरवा के बीजेपी विधायक अनिल सिंह भी पहुंचे। उनके पहुंचने पर अधिकारी खड़े नहीं हुए तो वो गुस्से से लाल हो गए। फिर क्या था, अपने ही अंदाज में विधायक जी ने अधिकारियों को अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया। विधायक ने अपने ही अंदाज में कहा, कई बार बताई चुके हैं जब विधायक अनिल सिंह आया करें तो सब अधिकारी खड़े हो जावा करें, अब कि तुम्हारे खिलाफ लिखा पड़ी कर दे। आप भी देखिए। विधायक अनिल सिंह आवा करे तो सब अधिकारी खड़े हो जाए करे। पहले 100 बार कह चुके तुम लोगों ने, अब कि तुम्हारे खिलाफ लिखा पड़ी कर दे। विधायक अनिल सिंह यही नहीं रुके। मीटिंग शुरू होने के बाद जब अनिल सिंह की बारी आई तो कई बातों को उन्होंने रखा। विधायक ने अधिकारियों को डांटते हुए अल्टीमेटम तक दे दिया। पैसे तो हमारा प्रोटोकॉल नहीं, तुमसे क्षमा मांगे, लेकिन क्षमा मांग रहे भाई, बीमार हुआ, लेकिन फिर भी आपका जो विधायक का फोन जाए, या तो आप फोन करो, फोन तो उठा ही ले, कर ही ले, नहीं कर पाओ, फोन में दिक्कत है। तुम्हारा चपरासी फोन ना करे एमपीएम का, ये तो कोई चपरासी फोन का विधायक का। अरे तुम कहो नंबर दे दो, विधायक फोन करेंगे तुम, आप प्रोटोकॉल में कौन आता है? यहाँ एक प्रथा चली गई मीटिंग में कि जो है अधिकारी बड़ी बड़ी कुर्सी में बैठे हैं और विधायक लोग जमीन में बैठे हैं, तो ये सब न चली बात है साहब। बिल्कुल दोबारा कुर्सी हम लोगों का अगर छोट मिली अगली किसी मीटिंग में तो कुर्सी तुम लोगों का पलट दे बात है साहब। भाई ये देखिए ऐसा हमारा प्रोटोकॉल, जनता ने जो हमको अपना सिग्नेचर करके अथराइजेशन दिया है वो बहुत बड़ा है, चीफ सेक्रेटरी भी खड़ा होता है, लेकिन तुम लोगों की धूर्तता है जिसमें तुम लोगों के दिमाग खराब हो गया, उसको ठीक करूंगा। हम ऐसे तरीके से नहीं है कि आप लोग ऐसे आप टीप करो हमको। हम एमएलए हैं और एमएलए के पास अगर कोई फोन करेगा तो सीधे आप जिला पंचायत के पास जो सदस्य है उनके पास फोन करोगे तो आप, तो किसी को अथराइज मत करो एम एस साहब, समझ गए? तो इसमें विशेष ध्यान रखो। दूसरा, कौन कौन किताब कहाँ ले रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो, कितना पैसा कहाँ खर्चा किया, ये सब रिटर्न में पहले भेजा करो मीटिंग से। मीटिंग जैसे आज हो रही है तो कम से कम 5 दिन पहले होगी। जब मीटिंग 6 महीने में होती है तो हम 1 घंटे पहले कैसे आप हमसे कहा, हम कैसे बता देंगे कौन सा काम कर रहे हो कौन नहीं कर रहे हो। तो इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए और मैं आग्रह करूंगा भाभी से, मतलब अध्यक्षा से, कि ये थोड़ा सा निर्देशित करें अपने अधिकारियों को कि पहले से हम लोग बता दें। सहमति तो है ही है आपके साथ, जा रहा कहाँ आ रहा, कैसे काम हो रहा, कैसे काम हो रहा, पता चला तो बहुत साइन करा लिए, बाद में सब पैसा निकाल लेंगे। विकास भवन में जिला एकीकृत समिति की बैठक चल रही थी जिसमें कई अधिकारी मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि बैठक में सिर्फ जनप्रतिनिधियों या छोटे स्तर के अधिकारियों को ही बुलाया गया था, बैठक में आईएएस अधिकारी भी बैठे थे। हालांकि इसके बावजूद विधायक अनिल सिंह अपनी रौ में बोलते रहे। बैठक में अफसरों में आईएएस अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यप्रकाश, जिला विकास अधिकारी संजय पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी, अधिशासी अभियंता आरईएस, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कृषि अधिकारी कुलदीप समेत कई अधिकारी मौजूद थे। लेकिन किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई और सबके सब सिर हिलाते रह गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी ने सरकार पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने विधायक का अफसरों को डपटने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ये धमकी योगी के लाडले दबंग गुंडा माफिया भ्रष्टाचारी विधायक जी मौजूद सदन में दे रहे हैं। योगी जी, अपने इस अपराधी बीजेपी विधायक पर कार्रवाई कब होगी, कब बुलडोजर चलेगा? इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।